अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नगबस किचन। तो मम्मा आज क्या बनाने जा रहे हो? आज मैं बनाने जा रही हूँ रवा और बादाम का हलवा, जो कि बहुत खाने में टेस्टी होगा। तो चलो बनाने की तरफ चलते हैं। ये मैंने 100 ग्राम बादाम ली हूँ और ये 1/4 किलो रवा। ठीक है, हमारा पैन गरम हो चुका है। हम 2 चमचे असली घी डालेंगे, अब हम रवा डालेंगे और इसे मीडियम आंच पर ब्राउन करेंगे। अच्छी तरह से ब्राउन होना जरूरी है, तभी हमारा हलवा खाने में टेस्टी होगा। रवा ब्राउन हो चुका है, इस तरह से ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन। अब हम बादाम को ग्राइंड में बारीक करेंगे, दरदरा सा पीसेंगे। देखिए, हमने बादाम को इस तरह से दरदरा पीस लिया है, ऐसा चाहिए। ठीक है, ये भी हम रवे में डाल देंगे पूरा, और इसे रवे के साथ अच्छी तरह से इसे भी भूनेंगे। को मैंने भून भून के अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया है। अब डालेंगे पनीर का चूरा, जो मैंने 1/2 लीटर दूध को कड़ल करके बनाया है। देखिए, इसे मैंने छन्नी में रखा था, पानी पूरा निकल गया, और इसको मैंने अच्छे हाथों से पहले से चूरा करके रखा है। इस तरह से सब चूरा ही होना चाहिए, बिल्कुल इसमें लम्स नहीं होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, अब मैं ये पूरा डाल दूंगी और इसे मिक्स करूंगी रवे और बादाम के साथ में अच्छी तरह से। इस तरह चम्मच हिलाना है हमें। देखिए, हमारे पनीर को रवे में इस तरह से मिक्स करना है, दबा दबा के सारे लम्स है उसे इस तरह से चमचे की मदद से मैश करना है। अब इसमें डालेंगे 50 ग्राम शक्कर, आप पर है, आप कितना मीठा खाते हैं उतना डालिए। अब इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। डालेंगे 1/2 लीटर दूध, जिलेबी का जो मैंने पानी करके रखा था वो डालेंगे, और वेनिला एसेंस डालेंगे, और अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करेंगे। हमें राउंड राउंड करना है। इसे कंटिन्यू हलाना है। हमारे इसको दम पे रख के 5 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को हॉट करते हैं और हम प्लेट में खाने के लिए निकालते हैं। हम सूजी बनके तैयार हो चुकी है और इसमें हमने पनीर डाला है, उससे तो और भी ज्यादा टेस्टी
ऐसा लग रहा है मलाई बर्फी है, और सच में इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और बच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद है। तो अब हम आपको खाके बताते हैं, देखिए। सचमुच खाने में बहुत ज्यादा लजीज लग रही है और ऐसा लग रहा है कि ये कोई मिठाई है। सूजी का हलवा नहीं लग रहा है, ये लग रहा है कोई आपने मिठाई बनाई है, मिठाई की टेस्ट लग रही है। बहुत बहुत ज्यादा मस्त है और बढ़िया बना है। अब जरूर बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि खाने में कैसी लगी। तो तब तक इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।